भाई ये है अफीम की कराली बेस्ती। ओले को उठा लेगा वो। Person you're calling is not answering. Please try later. Hello guys, good morning. Welcome back to the channel. तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:15 और 4:15 इतनी जल्दी क्यों उठे हैं? उठे तो हम 2:30 बजे के हुए हैं, इसलिए उठे हैं क्योंकि ट्रिप पे जा रहा है आपका भाई, एक नई जगह, नया दिन और नई प्लेस। अभी मैं इस समय हूँ सिस्टर के घर, इस बार अपनी कार से नहीं जा रहे, रेंट पे करिए कार, टैक्सी आ जाए फिर चलेंगे यहाँ से। लेकिन अभी मैंने आपको दिखाया भाई को फ़ोन कर रहे हैं, उठा नहीं रहा फ़ोन। और आज है 18 मार्च, 18 मार्च को होता है उसी बर्थडे जिसको फ़ोन कर रहे हैं, जो कि अभी तक सो रहा है। और हम सब तैयार हो चुके हैं और 5-6 बारी कॉल कर ली है, फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उसकी मम्मी को फ़ोन करना पड़ा, मतलब मेरी मामी को, उन्होंने कहा कि वो तो सो रहा है जी, अभी उठाते हैं उसे। तो हम भी वेट कर रहे हैं गाड़ी आ जाए और पहुँचते हैं, देखते हैं तब तक वो तैयार होता है कि नहीं होता। आपसे बात कर ही रहा था कि गाड़ी का वेट कर रहे हैं जो टैक्सी करी है, और सामने ही गाड़ी आ गई। टैक्सी की भी लंबी उम्र है, ये घड़ी गाड़ी, ये देखो ये कैमरा लगाया हुआ है सिस्टर ने, तो ये क्लोजअप देख लो गाड़ी का। सामान नीचे उतारते हैं फिर आपको नीचे चल के मिलता हूँ। जी गाइस, तो नीचे आ चुके हैं, सामान रख दिया अभी, अभी रस्सी वगैरह कुछ नहीं बांधी, वो भाई को पिकअप कर लें। अब उसका मैसेज आ चुका है, सॉरी बोल रहा है कि मेरी नींद नहीं खुली। तो अब चल रहे हैं यहाँ से, सिस्टर नीचे आ जाए, हम तो रेडी हैं। और ये रहा अपना बड़ा भाई, मास्क तो उतारो सर, किस समय कौन सा, क्या हाल है? बढ़िया। बाकी और आते हैं तो उनके साथ इंट्रोडक्शन कराते हैं। ये है अपनी, अपना रथ है ये 4 दिन के लिए, यही हमें ले जाएगी, यही हमें लेके आएगी वापस। आ चुके हैं सारे नीचे, इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये अपनी सिस्टर है, हाय, हैप्पी होली। ये भांजी है, हैप्पी होली। ये जीजू हैं, वो भी उठ गया है, सो रहा था अब उठा है, और उससे तो मिलवा ही दिया। तो चलो चल रहे हैं, अब भाई को पिकअप करते हैं फिर निकलेंगे दिल्ली से। अभी टाइम हो चुका है 4:35 हो रहे हैं। गाड़ी में 6 गियर हैं, 6 गियर, और इसकी हैंड ब्रेक देखो कैसी है, सही है। नई नई गाड़ियां, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। चलो जाओ वहां पे जाते, लाइट बंद कर दे आगे। अरे चलो जाओ यार, शिवाय कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? घूमी 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 चले तो घूमी घूमी जा रहे। सो के उठ के आया है बिना नहाए धोए, चलो जी। रात के कपड़े पहन के सो गए, रात को ही नहला दिया था, कपड़े पहना दिए थे, चलो। वैसे ये आइडिया सही है, मैं भी अपनाऊंगा अगले ट्रिप पे। जयकारा शेरावाली बाजी दा बोल साचे दरबार की जय। ये हमारे सारथी जी हैं, क्या नाम है सर आपका? दलजीत सिंह। अब 4 दिन के लिए ये रथ है हमारा और ये सारथी जी हैं। अब बस आधा घंटा लगेगा, भाई को पिकअप करते हैं। नंबर ही स्विच ऑफ कर दिया उसने, ऐसा है आने दो आज, देख रहे हो आप इसकी हरकतें। बड़े नु राम राम, छोटे नु प्यार, हाजिर हाँ तुहाडे सामने फिर तो एक बार। तो भाई के घर पहुंच चुके हैं, 5:20 हो गए हैं, बस भाई के घर के नीचे ही खड़ा हूँ, आ जाए तो चलें। गाड़ी अंदर आई नहीं, वो गेट वगैरह बंद है, वहीं बाहर लगाई हुई है। आ गया हमारा बर्थडे बॉय। और सर जी क्या हाल है आपके? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, बस भाई इतना ही टेंशन रहता है। एक बात बताओ, रात को आप मुझे कह रहे हो कि ड्राइवर तेरे को बेड से उठाएगा आके, खुद आप सो रहे हो, नहीं बर्थडे है तो आप ऐसा फायदा उठाओगे? हेलो कर दो शिवाय, हेलो कर दो। मैप 572 किलोमीटर दिखा रहा है डलहौजी, आपको बताना तो भूल ही गया था, बता दिया। जा रहे हैं डलहौजी हिमाचल प्रदेश, 3-4 दिन का ट्रिप है। तो अभी
साढ़े दस घंटे दिखा रहा है 572 किलोमीटर, लेकिन साढ़े दस में पहुंचेंगे नहीं, 13-14 घंटे लग ही जाएंगे। जी भी गाइस, तो आप पहुंच चुके हैं मुरथल के अंदर अमरीक सुखदेव पे। तो अब यहाँ पे ड्राइवर साहब हमारे चाय पीने गए हैं, हम भी जो घर से बना के लाई हुई है सिस्टर सैंडविच वगैरह वो खाते हैं, चाय वगैरह देखते हैं पीनी है, तो फिर चलेंगे यहाँ से आगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 बजे हम मुरथल के अंदर पहुँच चुके हैं। इस आज है 18 मार्च, जैसा भाई का बर्थडे भी है और आज होली भी है, तो आप सबको जो जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो सबको हैप्पी होली। तो होप करता हूँ सबने अच्छी मनाई होगी, क्योंकि अब आज होली है लेकिन जब आप वीडियो देख रहे हो तब जा चुकी है। तो होप करता हूँ सबने बढ़िया बनाई होगी होली, मजे करे होंगे अपने। गाइस ऑर्बिट आप सबने खाई होगी कभी ना कभी, कितने रुपए की आती है, 5 रुपए 10 रुपए 15 20 रुपए, ये जो पीछे शॉप्स देख रहे हो आप 200 रुपए की ऑर्बिट। ये बेनिफिट होता है अगर कोई लेडीज ट्रैवल कर रही हो ट्रिप पे, चाहे मम्मी हो बहन हो बीवी हो कोई भी हो, ये फायदा होता है लेडीज का कि घर से रोटी बना के ले आएंगी, कुछ भी लेके आएंगी, तो ऐसे ही सिस्टर भी लेके आई। टाइम हो रहा है 8:30, तो वहाँ से मुरथल से अपना चलने के बाद ढाबे पे रुके हैं, खाने नहीं रुके, फ्रेश होने रुके हैं क्योंकि लंबा रास्ता है। आज के इस व्लॉग में आपको दिखेगा दिल्ली से डलहौजी तक का सफ़र, डलहौजी आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में घुमाऊंगा, लेकिन ये नहीं कि ये सुनते ही आप ये पार्ट स्किप कर दो या वीडियो छोड़ के भाग जाओ, पूरी वीडियो देखो, डलहौजी तक पहुँचते हैं कैसे पहुँचते हैं क्या क्या करते हैं सब देखने को मिलेगा, वीडियो देखते रहो पूरी। गाइस तो फगवाड़ा पहुंच चुके हैं, आज तक अपनी गाड़ी का पेट्रोल डलवाते हुए दिखाया है, आज इसका दिखाता हूं। तो अब थोड़ा बहुत तो डीजल उनके पास था ही, अब यहां पे डलवाने लगे हैं फर्स्ट रिफिल। 240 किलोमीटर पड़ा है डलहौजी, 6-7 घंटे दिखा रहा है, तो वही शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, 11:10 हो रहे हैं, तो पहुँच जाएंगे 6-7 बजे शाम तक। और होली का दिन है, सब बंद होगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली से निकलने के बाद मुरथल और भी सारे ढाबे, ये पंजाबी ये सामने वैष्णो ढाबा है, सब खुला हुआ है, होली वाले दिन कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है ढाबों की, बल्कि आजकल तो लोग त्योहारों के दिन ज़्यादा निकलते हैं घूमने, तो इस वजह से सब ओपन है। सुबह से हमने नाश्ता नहीं करा, जो सिस्टर वो सैंडविच दिखाए थे ना मैंने आपको, वही सैंडविच खाए हुए हैं बस, उसके बाद चले जा रहे हैं। अब बज गए हैं 2:15 हो रहे हैं, तो अब जाके ये ढाबा मिला है हमें, क्योंकि जलंधर से जब आप राइट हो जाओगे ना पठानकोट की तरफ तो उस पर ढाबे बहुत ही कम हैं, तो अब ये एक यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं अलग अलग तरीके की, जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ पंजाब, तो अब यहाँ पर करते हैं लंच और बताता हूँ आपको फीडबैक कैसा रहता है कैसा नहीं। ये ढाबे के साथ में ही ये ऑस्ट्रिज है, क्या है शिवाई वो देख, वो क्या है ये, जी गाइस तो लंच कर लिया है, रिपोर्ट क्या थी रिव्यू दूं आपको फूड व्लॉगर बनूं कैसा लगा, ठीक था, मतलब हमने दो आइटमें मंगाई थी पनीर भुर्जी और दाल मखनी, पनीर भुर्जी ऐसी थी सो, दाल मखनी सही थी, क्यों सर, हाँ जी आउट ऑफ 5 3.5 पठानकोट रह गए मात्र 5 किलोमीटर और वहां से 80 किलोमीटर ही है ना, 80 किलोमीटर डलहौजी, तो मतलब टोटल 85 किलोमीटर रह गया बस। ये पहली मतलब चढ़ाई आ गई है पहाड़ी रास्ते की, ये एरिया जो है धमताल है, ये सीधा रास्ता चला जाएगा जम्मू
कटरा, अगर वैष्णो देवी आपने बाय रोड जाना हो तो यही रोड जा रही है सीधा लखनपुर होते हुए जम्मू। एक और बारी रिपीट कर दो। दिल्ली भी जाएंगे हम इसके बाद बच्चों को छोड़ के अभी ट्रायल पे आए, जब अच्छा लगेगा तो हम अकेले आएंगे। अभी अभी भाई ने एग्री किया, इशिता को तो मैं संभाल लूंगा कि मैं दोनों बच्चों को संभाल लूंगा। ट्रेनिंग ले रहा है ना ये, उनके जैसे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लैपटॉप पे चढ़ रहे होते कॉल चल रही होती है लैपटॉप पे, वो डांस कर रहे होते हैं। गाइस यहाँ से डलहौजी रह गए अराउंड 65 किलोमीटर के करीब, 67-65। तो ये हमारे भाई साहब कुछ कह रहे हैं, कुछ भी नहीं हाँ कह रहे हैं डलहौजी रहने तो कहीं और चलते हैं। इसने बोला अभी कि डलहौजी फाइनल है ना। ये है अफीम, मतलब भांग कह लो अफीम कह लो, जो कसोल की तरफ होती है ना वही सेम है। इसको रगड़ते रहो और काला काला माल निकलेगा, और उसको मतलब जो करते हैं वो कर सकते हैं। ले पंकज ये ले, इसने स्पेशल गाड़ी रुकवाई, खैरा ले ले, कुदरती खेती है यहाँ पे, किसी ने मतलब करी नहीं हुई। और देखते आ रहे हैं, ये तो अभी मैंने आपको दिखाई है स्टार्टिंग से ही, जहाँ से पहाड़ स्टार्ट हुए ना वहीं से ही। तीन पहाड़ियों की बीच की तराई का गांव है ये धनेरा। यहाँ पे भी वो शॉप्स लगी हुई आम पापड़ की, अचार की। ये मेजर है, ये दोनों साइड में देखो ये हाँ। बहुत बिकता है, और काले वाला आम पापड़ तो यहाँ बहुत ज्यादा बिकता है। भांजा परेशान हो गया सुबह से गाड़ी में बैठे बैठे, वो तो अब सो भी गया ही थे। सो गया अब जाके सोया है, नहीं तो जब से पहाड़ी स्टार्ट हुई है बेचारा रोता ही आ रहा है। मतलब टच वुड हमने पहले मन बना लिया, जैसे ही हमने कहा ना कि चलो रोक देते हैं, वैसे ही वो सो गया। उस पहाड़ से हम इस पहाड़ पे आ गए, एक कट मुड़ो एक पहाड़ पार। मतलब जब रोड बनाए थे कितनी इंजीनियरिंग लगी होगी। देखो इस पहाड़ पे हम, अब ये मोड़ आ गया, अब यहाँ से ये वाले पहाड़ पे आ गए, 5 मिनट के अंदर तीसरे पहाड़ पे आ गए। देखो जितनी वापस आ रही हैं और जितनी जा रही हैं, पंजाब की बहुत ही हैं और जेके की थोड़ी बहुत हैं, दिल्ली की तो अभी तक एक भी नहीं दिखी गाड़ी इस वाले पहाड़ी रास्ते में। देखो गाइस ये है सामने चंबा, जो यहाँ से 70 किलोमीटर है, वो दिखाता हूँ आपको, जितना कैप्चर हो पाएगा वो दिखा देता हूँ। ये सामने देख रहे हो पहाड़ पे, सनलाइट पूरी पड़ रही है ना वहाँ पे, तो थोड़ी वो फोक से हो रही है। पूरा चंबा ऊपर पहाड़ी पे है यहाँ से, मतलब 70 किलोमीटर की पूरी चढ़ाई है तो जाके है। और डलहौजी मैंने बता दिया 30 किलोमीटर, और वेदर फोरकास्ट भी कर देता हूँ। अभी तक तो गाड़ी में तो गर्मी लग रही है, बाहर सही है मौसम, ना गर्मी ना ठंड, आप ऐसे ही घूम सकते हो टी शर्ट वगैरह में। थोड़ी हमारी डिस्कशन चल रही थी इंग्लिश वर्ड्स पे, क्या कह रहे थे, कौन से वर्ड्स थे? YOU क्यों होता है, TO2 क्यों होता है, और जी ओ फिर गो क्यों होता है, जी ओ गो क्यों नहीं होता, तो सर कुछ कहना चाहेंगे आप? विशेष टिप्पणी है देखो कितनी जितनी गाड़ियां खड़ी हैं ना ये आगे, 5 गाड़ियां सारी पंजाब की हैं, दिल्ली के शायद हम ही आए हैं अकेले।
सामने वाले पहाड़ों पे देख रहे हो खेती कैसे हुई हुई है स्टेयर्स की टाइप। हाँ जी नहीं टेरेस फार्मिंग ये नहीं है, लेडर फार्मिंग है, स्टेप फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग जो छत पे होती है। कराली बेस्ती जैसे सीढ़ियां होती है ना वैसे स्टेप फार्मिंग होती है, पूरे पहाड़ पे ही स्टेप फार्मिंग हो रही है। जैसे ही कैमरा बंद करता हूँ फिर कोई नया नज़ारा आ जाता है फिर ऑन कर देता हूँ। देखो वो गाड़ी जा रही है, हमने उस पहाड़ पे जाना है और अभी हम इस पहाड़ पे। ये ऊपर से कुदरती झरना आ रहा है पीने का पानी, तो हमारे ड्राइवर साहब भर रहे हैं बोतल अपनी। और ये मंदिर बना हुआ है पूरा, ये काली माता जी का टेंपल बना हुआ है यहाँ पे। पहाड़ देखो बिल्कुल सिर के ऊपर है, ठंडा पानी है कि बोतल भी चिलिंग स्टेशन में आ गई है। देखो ये ब्यास नदी है, एलओजी रह गया अब यहाँ से 20-22 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं रह गया। टाइम हो गया 5:15, 12 घंटे हो चुके हैं, 12 घंटे से भी 10-15 मिनट ऊपर ही 5:15 हो रहे हैं। अगर सूर्य देवता इस तरफ होते इधर की बजाय तो प्रॉपर आपको दिखता नीचे जो खाई है ना। डलोजी यहाँ से रह गए 7 किलोमीटर और बानी खेत रह गए 2 किलोमीटर। और बानी खेत के लिए नीचे जाना पड़ता। अच्छा ये नीचे है। बिल्कुल छोटा रोड है और सिंगल। और अब आगे जो है सुभाष चौक आ गया है। सुभाष चौक पहुंच चुके हैं हम डलोजी में, मतलब 6:45 बजे, 6:10 हैं अभी और टाइम सिर पहुंच गए। मेरे को उम्मीद थी हम 8 बजे पहुंचेंगे लेकिन पहुंच गए टाइम सिर। वो देखो सुभाष चंद्र बोस जी की लगी हुई है तो इस वजह से पूरा सुभाष चौक। इससे आपको पता लग गया होगा कहाँ पे आया हूँ मैं, और पूरा ये जाम कवर करके पैदल। गाड़ी तो अभी हमारी 1.5 किलोमीटर पीछे ही खड़ी है। तो ये है गांधी चौक, वो रहे गांधी जी। तो 20 रुपए में फोटो। तो ये रूम मिला गाइस, उधर बाथरूम है, ये डबल बेड है। बेडिंग देखते हैं कितनी लगाते हैं या 2 रूम्स लेते हैं वो भी पता लग जाएगा। और एकदम निग्गा रूम है जी भी गाइस। तो अब यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, रूम ले लिए हमने, एक ही रूम लिया है क्योंकि होली वीकेंड है तो पूरे डलोजी में ही रूम्स अवेलेबल नहीं है। मसा यहाँ पे मिला है, कराए हमने 2 थे लेकिन हम लेट हो गए आने में, इतनी देर में एक उन्होंने चढ़ा दिया। अब यहाँ से जा रहे हैं वहाँ जहाँ आपको म्यूज़िक सुनाई दे रहा है ना, अब भाई का बर्थडे है तो थोड़ा म्यूज़िक वाली जगह चलते हैं, वहाँ जाके डिनर करेंगे पार्टी वगैरह करके। सब रेडी हो चुके हैं, हेलो लाइट वाले जूते, हेलो हाँ जी। अब इसकी मेरे साथ दोस्ती हो चुकी है पहले नहीं आता था गोद में मेरी फटाफट, लेकिन अब आ रहा है ना, है ना? ओ देखो उसके साथ मैच कर लो सब अपने से। ये आ रहा है हमारा रॉक स्टार लाइट वाले जूते पहन के। तो ये एक जेके क्लार्क एक्सोटिक करके कोई होटल है डलोजी में, सुभाष गांधी चौक के पास ही। अब वहाँ आए हैं, देखते हैं डिनर करके यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है। क्या है डिनर कर लिया, आपने देखा ही होगा क्या क्या खाया। दाल मखनी इनकी एक नंबर थी, बहुत ही बढ़िया, पनीर से भी बढ़िया दाल मखनी लगी मुझे। तो अब चल रहे हैं होटल में, पास ही है होटल, अब जाके सोते हैं, बहुत थके पड़े हैं सुबह
ढाई बजे के उठे हुए हैं रात के, उसके बाद 5 बजे से ट्रैवल ही ट्रैवल, ट्रैवल ही ट्रैवल। और इनके नीचे रूम्स बने हुए हैं जैसे 301। इन्होंने हमको डिस्काउंट भी दे दिया 15%। वैसे वॉक इन को देते नहीं, पता नहीं अब क्या ही देखा हमारे पे, अपने आप ही डिस्काउंट करके ले आया। तो इस समय जो टेम्परेचर दिखा रहा है आईफोन में वो आ रहा है 11 डिग्री, हवा चल रही है तो 10 डिग्री 9 डिग्री ऐसे होगा। इस समय टी शर्ट में ठंड लग रही है। ये पता लग गया यहाँ का खाना सही है, जेके क्लार्किन का, इन फ्यूचर का भी आना हुआ डलोजी दोबारा। बाकी अभी 2-3 दिन और हैं, देखते हैं कल परसों अगले व्लॉग में आपको पता लगेगा। ठीक है गाइस, तो रूम में आ चुके हैं, अब सोते हैं। 5 मिनट ही दूर था वो होटल, तो बस अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना, बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि नेक्स्ट पार्ट जब इस ट्रिप के आएंगे तो आपको सबसे पहले पता लग जाएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, जय हिंद, रब राखा।